हरियाणा में शिक्षा का स्तर और सुधारने के उद्देश्य से हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में मुख्यमंत्री छात्र परिवहन योजना शुरू की है। इस योजना के शुरू होने के बाद दूर दराज से आने वाले स्कूल के छात्रों को परिवहन का लाभ मिलेगा। हरियाणा में शिक्षा का स्तर और सुधारने के उद्देश्य से हरियाणा शिक्षा विभाग ने अब प्रदेश के स्कूलों में मुख्यमंत्री छात्र परिवहन योजना शुरू की है। इस योजना के शुरू होने के बाद दूर दराज से आने वाले स्कूल के छात्रों को परिवहन का लाभ मिलेगा। उन्हें स्कूल तक आने की सुविधा मिलेगी और स्कूल से घर जाने की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने 25 लाख रुपए का बजट भी दिया है, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई ये स्कीम फिलहाल प्रत्येक जिले के एक ब्लॉक से शुरू की गई है। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी खेड़ा के 23 स्कूलों के 896 बच्चे इसका लाभ उठाएंगे। बच्चों को स्कूल जाने के लिए वाहन का इंतजार अब नहीं करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने ये भी बताया कि SMC के माध्यम से ये योजना लागू की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री छात्र परिवहन योजना जो हमारे जिले में खंड भिवानी खेड़ा से हम शुरू कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के एक खंड को पायलट के तौर पर चुना गया है और हमारे भिवानी से हमने भिवानी खेड़ा को चुना है और भिवानी खेड़ा के 23 विद्यालयों से 896 बच्चे इस योजना का लाभ लेंगे। यह योजना 1 से 12 तक के बच्चों के लिए है। वो बच्चे जिनको अपने घर से स्कूल आने में कठिनाई होती है, कहीं बसों की दिक्कत आती है या किसी आवागमन में समस्या होती है, तो अब ये विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी बच्चों को एक परिवहन योजना का लाभ दिया जाए। वहीं अध्यापक भी इस योजना से खुश हैं। उनका कहना है कि बच्चों को काफी फायदा होगा। अध्यापिका सुनीता ने बताया कि बच्चे सेफ होंगे और समय सर मतलब बच्चों के लिए एक और उनके माँ बाप के लिए भी सुरक्षा के मद्देनजर मतलब बहुत ही सराहनीय कदम है। बच्चों के लिए भी वही गर्मी है, सर्दी है, वर्षा ऋतु में आने जाने में दूर से आने वाले बच्चों के लिए परेशानी रहती है। पेरेंट्स भी परेशान होते हैं सर, कभी बच्चा स्कूल लेट पहुंच रहा है, कभी घर लेट पहुंच रहा है, तो काफी अच्छा कदम है। से पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर बच्चों की सुविधा के लिए और उनकी पढ़ाई में बाधा न पहुंचे, इसके लिए मनोहर सरकार की ओर से बेहतरीन पहल की गई है। दूर दराज के छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।